आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि मतलब सारी हिट फिल्में जो हैं वो साथ में आप करते हैं, करण जौहर साहब भी साथ में होते हैं, कोई प्रेशर है आप पे कि अच्छा तीन लोग तो साथ में हैं, मुझे भी घुसा लो साथ में ऐसे कहीं मैं प्रेशर बिल्कुल नहीं है, ख्वाहिश है जो पूरी हो जाती है. वेरी नाइस. आई थिंक करण ने हमें लॉन्च किया है, वो मेंटोर है हमारे और एक तरीके से एक फैमिली बन गई है जी. ये पहली बार आलिया और मैं इतने बड़े बजट की फिल्म कर रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा बजट है फिल्म का, तो प्रेशर भी ज्यादा है. तो एक तरीके से उन्होंने काफी रिस्क लिया है. बड़े बजट, बड़े स्टार कास्ट, लाइक इट्स द फर्स्ट टाइम के हम इस अरे हम लोग माधुरी दीक्षित और संजू बाबा के साथ काम कर रहे हैं. अच्छा हमारे शो पे कभी भी जैसे एक साथ इतने सारे स्टार्स आ जाए ना तो सिद्धू साहब को बड़ी खुशी होती थी. और वो चेले सुना. हाँ मतलब एक ही दिहाड़ी में दो एपिसोड निकल जाते हैं. तो आज आपको भी बड़ी खुशी हो रही होगी, एक ही दिन में दो दिहाड़ियाँ. ये देखो, अरे असली हैं, धोए नहीं थे लेकिन. नहीं अच्छा, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं शो पे जाता हूँ लोग मुझे कुछ खाने को नहीं देते. बड़ा ये पहली बार है जब आप दे रहे हो कुछ खाने को. बिग बजट, बिग बजट, बिग बजट. मैंने कभी बाहर जाए ना फॉरेन में, बड़े बड़े केले, बड़े बड़े संतरे, बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरीज, मैं सोचता था इनको. फिर किसी ने मुझे बताया कि इंजेक्शन भी लगाते हैं केलों को, स्टीरॉयड लेते हैं केले, बड़े हो जाते हैं केले, सेब बड़े बड़े हो जाते हैं. अब यहाँ पे हमने इम्पोर्टेड केले मंगाए, पतले छिल्टर वाले. अगर आपका व्रत है आप खा कहाँ से आए सर? इम्पोर्टेड. हाँ जी इम्पोर्टेड कहाँ से? मैं पहली बार खा रहा हूँ खुद, मुझे पता नहीं. वरुण आपको कल टीवी पे देखी मैं. किधर किधर? वो आप बोल रहे थे था, गाना गा रहे थे, शनिवार रात मेरे को नींद नहीं आती. सैटरडे को हो जाते हैं. हाँ ऐसे ही रहता है, शनिवार रात ज्यादा पार्टी करो ना तो सुबह तक कलंक लग ही जाता है. पाली अपने साथ लेके जाओ ना अपने बंगले में. लेकिन ऐसा टेंशन नहीं, आप बंगले में नहीं रखेंगे ना तो आपके डैडी ने वो बनाया था ना फुटपाथ, और सड़क में उसमें रह लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन भट्ट साहब के लिए भी जोरदार तालियां. भट्ट साहब भी क्या क्या पिक्चर बने हमारे इधर. वरुण हमारे इधर नाला चोपारा में मर्डर करो ना तो अंदर कर देते हैं. भट्ट साहब ने तो मर्डर वन, मर्डर टू, मर्डर थ्री, फिर भी ऐसा राज करे इंडस्ट्री पे. मर्डर करने के बाद भी दो दो जन्नत मिले उनको. आपके लिए स्पेशल मसाज है हाईवे मसाज. okay. इसमें क्या आउटडोर मसाज रहता है ये. हाईवे पे, हाईवे पे कस्टमर को लिटा खुले में. फिर ट्रक मसाज और गाड़ी अलग ही रहता है. नहीं नहीं गाड़ी नहीं चलवाते, ट्रक ड्राइवर को पहले आधा पौवा पिलाते. जोश में आता है उसको कुछ पता ही नहीं रहता, 10 घंटा मसाज ही करता रहता. इतना मसाज करता है कस्टमर का तेल निकल जाता है. अच्छा नहीं है शुगर. शुगर अच्छा नहीं है. ट्रू. इट्स नॉट गुड फॉर यू एट ऑल. नो एट ऑल. मेरी मम्मी मेरी दुश्मन है कि मुझे रोज. अच्छा असल में सच है क्या वरुण? कुछ बोलते हैं शुगर नहीं खाना चाहिए, कुछ बोलते हैं नमक नहीं खाना चाहिए, तो मर जाए क्या करें? आपकी मम्मी ये बात से सहमत बिल्कुल नहीं है. मेरी मम्मी तो खुद दरवाजा बंद करके खजूर खा रही थी उस दिन. वो ठीक है, खजूर वगैरह ठीक है. आंटी आपको क्या लगता है, आंटी आपको क्या लगता है कि शुगर शेयर ये सब चीजें, ये मतलब आज बड़ा डिबेट चल रहा है, सब कुछ खाया ना आपने? नहीं, और आप खुश हो? खा सकते हैं ऐसे बर्थडे बर्थडे है ना. ये आंटी माइक पे बोलो, ये माइक पे बोलो. क्या बोला आपने? क्या लाइन है? खा के मरो फिर सब कुछ ही. दरवाजा बंद करके मैं खूह खाती हूँ. और मजा आता है ना आंटी. अरे मैं शूट के बाद गया, मैं चलो उसके बाद मैं पानी पी के बाहर निकल आनी है, कहते कौन खा गया, मैं मेरे को पता नहीं कौन खा गया. कल हम लोग रेडियो इंटरव्यूज कर रहे थे और सब जगह जहां हम लोग जा रहे थे सब आदित्य को आदित्य विद हिज रिपलिंग मसल्स रिप्ड. आदित्य की वेलकम कीजिए. रिप्ड ऐसे आपको नाम बदलना चाहिए, आदित्य रिप्ड कपूर. आदित्य रॉय कपूर को निकाल. आई एम कवरिंग अप यार. नहीं सर मैं डाइट पे हूं, आई एम डूइंग अ फिल्म जहां पे आई हैव टू बी इन शेप, तो करना पड़ेगा. सर किसके साथ फिल्म कर रहे हैं पूछो आप? किसके साथ कर रहे हो? मोहित सूरी के साथ कर रहा हूं. नहीं अनिल कपूर सर है. अरे ऋषा पटनी, एली अब्राहम,
Yes. अच्छा. दिशा पटनी का नाम बड़ा डर के लेते हो. क्यों? ऐसे क्यों? क्यों? अरे मैं सच बोलता हूँ, मैं थोड़ा, क्योंकि ये बहुत सीरियस रोल है, मेरे को डायरेक्टर आलिया ये सब बोलते रहते कि सीरियस रहो, अभी घंटा है यार, अभी हो गया, अभी मैं तो इधर एक बात मैं क्लियर कर दूं, किसी ने उसको कुछ नहीं बोला है सीरियस रहने को, खुद सीरियस रहना चाहता है क्योंकि उसको लगता है वो हो नहीं पाता है. हम उसको कुछ नहीं बोलते, उसको साइड में छोड़ देते क्योंकि वही ठीक है वो, वरना हमें तंग कर देता है इसके. जब जब मैं शो पे आया हूं इसके साथ, तब तब हमारी लड़ाई हुई है सर. ऐसे क्यों? पता नहीं क्या हो जाता है इधर आके. शादी अपने मर्जी से हो या मम्मी डैडी के मर्जी से, झंडी होनी है, कुछ होना नहीं है शादी में. दर्शकों ये रहा तजुर्बा. ये हमारी नहीं हुई है, हमें तो थोड़ी होप दे दो यार. तो आप ट्राई कर लो. ट्राई कर लो. वैसे सोनाक्षी जी, जी आपको पता है ये जो हमारी भैंसिया है ना, थोड़ी देर पहले सर यहाँ पे बगल में एक ऐसा सांड है, उसको देख के हमारी भैंसिया लगातार सीटी पे सीटी बजा रही थी. क्या फालतू की बातें कर रहे बच्चा? हम गंदी बात कर रहे हैं यार. गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी गंदी यार. सोनाक्षी जी को गंदी बात पसंद है तो हम कर दिए हैं यार. कप्पू शर्मा, आपको प्यार मोहब्बत का बड़ा शौक, फ्लर्ट फ्लर्ट बहुत करते ना. हाँ तो एक छोटा सा सजेशन देना चाहेंगे. क्या? आप कभी भी आस्की अगर करें ना तो राय लीजिएगा. क्यों? नहीं क्योंकि ये हिस्ट्री है. पहला आस्की आया तो उसमें राहुल राय को लिया गया, दूसरा आया तो आदित्य राय को लिया गया. तो राय लीजिए, राय लेना जरूरी है. शायद तीसरा आस्की आएगा तो ऐश्वर्या राय को भी ले लीजिए. नेवर नो, चलता है यार, होता रहता है. एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. हाँ. भैंसिया गोबर क्यों करती है? क्यों करती है? क्या इंटरेस्ट है इनको गोबर में? भी इंटरेस्ट है यार, हर चीज जानना चाहता है यार. चलिए शुक्रिया. सुपौल आप चुनाव जीत गए, तो आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे समाज में? अच्छा, क्योंकि हम सिनेमा से हमारा सबसे ज्यादा मतलब है, मैं पॉपकॉर्न को टिकट प्राइस के अंदर इंक्लूड करूंगी. आलिया आप क्या करेंगी? मैं एक जो कार्बन एमिशन है उस पर एक लॉ डालती, ताकि हमारा जो व्हीकल के साथ जितना भी कार्बन एमिशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उससे कम हो जाए. मैं डेफिनेटली एनवायरनमेंट को रिलेटेड कुछ ना कुछ करूँगी. वेरी गुड. बहुत कम उम्र में बहुत उच्च विचार है. आदित्य आप क्या कहना चाहेंगे? शायद बॉम्बे सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर बजट को बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा, तो आवर रोड्स गेट वाइडर एंड बिगर एंड ट्रैफिक स्टॉप्स एट लीस्ट फॉर अस. नहीं, वो चीज जो पॉसिबल है. वरुण आप क्या कहना चाहेंगे? पाजी मैं भी मुंबई का रहने वाला हूँ, तो मुझे लगता है कि हर साल जब बारिश आती है तो पता नहीं क्या हो जाता है, हमारे रोड्स को बार बार बनाना पड़ता है हमें जी. और मैं झूमे रहता हूँ, मुझे लगता है कि हर साल वही खोदते हैं, बनाते हैं, फिर वापस खोदते हैं, वापस बनाते हैं. करेक्ट. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं रोड में कि उसे खोदना पड़ रहा है बार बार. राइट. तो मैं चाहूंगा कि हम लोग वर्ल्ड का बेस्ट जो भी सामान लेके आए वो यूज करें और एक बार ही बना ले, ताकि 8-9-10 साल के लिए वापस हमें बनाना ना पड़े.
अपने पिंडू को संभाल के रखो, मैंने नासा से लॉन्च करा देना इसको। अगर लॉन्च कराना है तो धर्मा प्रोडक्शन से करा दो। वाह, ये मेरे को कह रहा है मेरे को धर्मा प्रोडक्शन से लॉन्च कराओ। लॉन्च करवाओ यार, धर्मा प्रोडक्शन से ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे बछड़े नहीं। मैं सलाह देना चाहता हूँ, देखो जो आम है वो सर्दियों में भी आ सकता है, लेकिन उसको फिर स्वेटर पहनना पड़ेगा। फिर आम चूसोगे अगले दिन ऊन के गोले निकलेंगे, तो फिर आपको समझ भी नहीं आएगा कि इसको फ्लश करना है कि इसके स्वेटर बनाना है। That kind of dirty imagination I have. अच्छा मेरे को भी एक सवाल पूछना है। May I go to toilet? ये आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो राजी हो जाती है। इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरे को जाना है। हाय छी अंकल, ये बात पूछ के आपने तो शो पे कलंक ही लगा दिया। लीजिए, मेरे को माफ कीजिए, मैं अपनी टॉयलेट वापस लेता हूँ। हाय हाय, चुभेगी नहीं? आप उस दिन मेरे घर आई थी टॉयलेट करने, 3 दिन तक उधर ही रही आप। खामोश।